इनवाइट करने के लिए। और दोस्तों आप सभी का धन्यवाद आज यहाँ पर आकर के इतनी शानदार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो हम सभी ईश्वर का भी धन्यवाद करते हैं, हमारे मैनेजमेंट का धन्यवाद कि इतना अच्छा समय निकाल करके इतनी शानदार ट्रेनिंग हमें दी। अपने बारे में बता देती हूँ, नाम मेरा निशा गुप्ता है फ्रेंड्स, एक सिंपल हाउस वाइफ के साथ एक ब्यूटिशियन थी और 6 साल पहले ये बिजनेस वीरू भैया के थ्रू ही मेरे घर पर आया, मेरी लाइफ के अंदर आया, मेरी जिंदगी में आया। तो एक बार वीरू भैया के लिए जबरदस्त बिजनेस किसको करना है, इसमें कमी क्या है इस बिजनेस में, आज इतने लोग आप बैठे हो, मैं तो सबसे बहुत बार पूछ दूं कि एक कमी बता दीजिए इस बिजनेस में, ये इसमें खूबियां बहुत सारी है, बस कमी अगर है ना तो जिसकी खूबी है वही कभी कभी लोगों के लिए कमी लगती है। क्या है कि यहाँ पैसा नहीं लगता है ना, ये इसकी क्या है खूबी है कि कमी है बताइए, खूबी है कि हम आम इंसान जिसके पास पैसा नहीं है जो पढ़ा लिखा, पढ़ाई लिखाई नहीं लगती आपकी, लेकिन हम लोग क्या है इसका नाजायज फायदा होता है ना कई बार, वो उठाते हैं कि पैसा तो लगा नहीं है तो कुट करना या इसको ना करना या इसे आलस करना या कई दिन बेकार कर देना, वो क्या होता है, ये हमारी ना समझी के कारण होता है कि पैसा तो लगा नहीं, खोने का डर तो है नहीं। वो कहते ना कि अभी अभी जगत जी सर बता रहे थे कि ऐसे रख दिया हमने आड़ा कप की, हमारे हिंदुस्तानी तो ऐसे ही होते हैं है ना, ये अपन क्या होता है वहां ऐसी जगत जी सर का जैसे ही बता देते, अमेरिका में लाइट जाती है तो सीधा वो पावर हाउस में वहां कॉल करते हैं कि लाइट चली गई, जापान में लाइट जाती है तो खुद ही ठीक कर लेते हैं, वो सारे मैकेनिक है जाकर के देख लेते कहाँ खराबी हुई है, और इंडिया में लाइट चली जाए तो क्या होता है, इधर देखेंगे इसकी भी कहीं, इधर देखेंगे इसकी भी, तो तेरे क्या पड़ी है, तू भी रह लेना अंधेरे में, तो ये भी मिडिल क्लास में जी रहा है, ये भी मिडिल क्लास में जी रहा है, तो तेरे ही क्या पड़ी है, तो तू गाड़ी अचीव करे, तू ऑडी में घूमे, तू मर्सिडीज में घूमे, तू लग्जरी लाइफ जिए, विदेश जाए, वो भी तो रह रहे हैं, तो यही हमारी फितरत होती है फ्रेंड्स। लेकिन हमें इससे निकलना है, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। अभी अभी इतना शानदार तरीके से बताया रेनू ने कि हमें कुछ अलग पहचान दिखानी, और यही जिद मेरे अंदर थी, जिद तो होनी चाहिए, जिद बस जुनून होना चाहिए। मैं सच बताऊं मेरे घर में भी पैसे की कमी नहीं थी, अच्छी लाइफ में जी रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन एक जिद थी कि अगर किसी काम में, अगर किसी काम में हाथ डाल दिया तो मैं तो सक्सेस लेकर के, सक्सेस को खींच करके निकलना है। अब जिद आपकी भी होनी चाहिए दोस्तों कि मोदी खैर सबके लिए एक जैसा है। मैं आपको खूब अच्छे से कह रही हूं कि बाहर जाओगे ना लोग कहेंगे कुछ नहीं होता, बेकार है, लोग तो इतना तक कहेंगे घर बार बिक गए, लेकिन आप खुद दिमाग लगाओ कि घर बार बिकता है ऐसे किस लिया क्या आपने जो घर बार बिकेगा, सब तरह की बात होगी, लेकिन एक आपकी जिद। मुझे भी सब बोला गया था, मैंने नहीं दिया उनपे ध्यान, अपने काम पे फोकस कर लिया और करती चली गई, लो अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा काम मिला जो मेरी पावर है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, 3 पावर को ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड क्या है, जो भी आप बोलते हैं आप बहुत ध्यान से बोलिए। अब हम 6 महीने हो गए इस प्लान को, हो गए कि नहीं 6 महीने, अभी भी वही लेके बैठे, अरे जब हमें पता है कि नहीं चेंज होने वाला कुछ भी, अब जो है वही रहेगा, तो हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए, नई चीजों में बदलाव ले लेना चाहिए कि नहीं, कि वही पुरानी, और जो हुआ है बेहतरी के लिए हुआ है, टॉप के लिए, लेकिन कई बार होता है ना एक्सेप्ट नहीं करते, जो भी इससे परेशान है मैं कहूंगी आप मोबाइल कितना टाइम हुआ लिए हुए आपको, कोई है इस प्लान से परेशान कि नया प्लान हो गया जी ग्रोथ नहीं हो रही, उससे मैं कहूंगी मोबाइल को कितना टाइम हो गया, तो आप कहेंगे 2 साल पहले लिया था, 2 साल पहले दूसरा था, बदला ना आपने, चीजें बदलती है ना लाइफ में, अपग्रेडेशन आता है ना, तो फिर एक्सेप्ट कर लो उसको, शुरू शुरू में खराब लगेगा। जूम मीटिंग आई थी, किस किस को एक्सेप्ट हुई थी शुरू में कोविड आया जब, मुझे तो बिल्कुल नहीं हुई थी, सच बता रही हूं, मैं तो सोच रही थी हाँ बिल्कुल भी नहीं हुई थी मुझे एक्सेप्ट, और मैं ये सोच रही थी कि भगवान कब कोरोना खुल जाए, मैं तो जाके मीटिंग कर लूं, मेरे से जूम नहीं चलती, ये कौन म्यूट अनम्यूट ये वो सिस्टम, फिर क्या हुआ, अब क्या है बताइए, अब उसके हम आदि हो गए, एक्सेप्ट हो गए, हम कितने खुश होते हैं कि बाहर की टीमों को भी हम संभाल पाते हैं, बाहर को भी बिजनेस कर पाते हैं, उस पर रिकॉग्निशन भी कर देते हैं, कई चीजें कर देते हैं उस पर, तो जो भी बदलाव आता है अच्छे के लिए आता है फ्रेंड्स। तो इस बदलाव के अंदर बदलिए, चेंज होइए, बहुत अच्छा प्लान है, अभी अभी बता गए हैं हमारे दुष्यंत जी की किस तरह से हमें काम करना, और वाकई में मैंने भी यहाँ पर आके कहते ना क्या सीखना है, वही मीटिंग है, वही सब है फ्रेंड्स, उभर जाइए इन चीजों से, एक एक इवेंट आपको अलग ग्रोथ दे देता है, ये तो मेरी, मैं सच बता रही हूं मेरी ग्रोथ का कारण ये है कि मैंने एक भी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार मिस नहीं किया, मलिक सर जब भी आए मैंने अटेंड किया, चाहे यहां का हो जाए, चाहे घर में शादी हो, बर्थडे हो, फंक्शन हो, दूसरे शहर शादी में जाना हो, मैंने छोड़ दिया कि शादी मेरे बिना भी होगी, लेकिन मेरी सक्सेस दुनिया देख रही है, लाखों लोग देख रहे हैं, मुझे सफल होकर के दिखाना, और उसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो
सबसे पहली चीज जो मैं वहां आ जाती हूँ कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आपको आज से दोस्तों वही बात बोलनी है फिर से, क्योंकि आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी रिपीट करना पड़ता है, बार बार सीखना पड़ता है। वही बोलना होगा जो आपको चाहिए, वही बोलना होगा, वही सोचना होगा अंदर में जो आपको चाहिए। एक आप तो ये कहो वो छोड़ के चला गया, वो छोड़, दिमाग को ये बता रहे हो, किसी से बोल भी नहीं रहे, चलो दिमाग में बात कर रहे हो, वो छोड़ गया, वो छोड़ गया, वो नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा, वो लीडर नहीं, वो लॉयल्टी नहीं कर रहा। एक आप दिमाग में, मैं पता है क्या याद करती हूँ, रेनू जबरदस्त लीडर है, जय भैया जबरदस्त लीडर है, मेरे विशाल जी जबरदस्त लीडर है, कल्पना जी जबरदस्त है, मेरे अमित जी और प्रांजलि देखो तहलका मचा रहे हैं, ठीक है ना, मेरे क्या और लीडर्स, मेरे दीप्ति देखो कितना जबरदस्त काम कर रही है, मेरी प्रियंका सोन जी देखो क्या काम कर रहे हैं, जो छोड़ के गए बहुत सारे, मैं फोकस ही नहीं करती। तो ध्यान जहां जाएगा, जो माइंड को आप दिखाओगे ना, वो चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मैं तो कहती हूँ एक भी लीडर है ना तो उसी को 100 बार गिनो ना, 100 तैयार हो जाएंगे। समर्पण का भाव, समर्पण पूरी तरह से। जैसे हम क्या होते मंदिर में जाते तो राधे राधे हाथ उठा लेते ना, क्यों उठाते हाथ, कि अपन ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि भगवान जी तू ही है मेरी नैया का पार लगाने वाला, कि भैया तू ही है सब कुछ करने वाला, तेरे को मैं सरेंडर करती हूँ, है कि नहीं। इसी तरह से आपको फ्रेंड्स अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको अपने सिस्टम के प्रति समर्पित हो जाना है, अपने अप्लायंस के प्रति समर्पित हो जाना है, अपना दिमाग नहीं चलाना इस बिजनेस में, समर्पित होकर के जैसे बोल दिया जाए वैसे आप करने लग जाओ, तो फ्रेंड्स क्या होगा, सक्सेस निश्चित हो जाएगी। तो आपको सबमिशन में रहना है, और पावर ऑफ क्या है, एक और सबमिशन, ग्रेटिट्यूड तो हो गया, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ एसोसिएशन, एकता में शक्ति है फ्रेंड्स। आपको एक होकर के टीम के साथ, अप्लाइंग के साथ अलग अलग, कहते हैं ना एक पेड़ के पत्ते एक डाली को भी अलग कर दोगे, अलग हो गई तो कितने दिन तक वो जीवित रहेगी, मतलब कितने दिन हरी रहेगी, कुछ टाइम तक, 2-4 दिन वो हरी रह सकती है बस, फिर क्या होगा धीरे धीरे सूख जाएगी। तो अगर आप एक है ना, आपका अप्लाइंग, आपकी टीम, तो किसको ही निगाह नहीं उठा सकता, कहने का मतलब ना परिवार एक होता है, तो आपको एक रह करके ऑलवेज काम करना है, अलग 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 काम करोगे कि मैं बड़ी बन गई या मेरे को क्या जरूरत है, या टीम को कोई कहे कि आप इसको छोड़ देते हैं ये तो क्या है, डायरेक्टर बन गया अब अपने आप करेगी, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हमेशा अप्लाइंग की जरूरत पड़ती है। आप कितने भी बड़े बन जाओगे तब भी अप्लाइंग की जरूरत पड़ती है, एक रह के काम करोगे, सबमिशन में रह के काम करोगे, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड को काम में लोगे, तो क्या होगा, जीत आपकी निश्चित हो जाएगी। तो आज मेरे लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और बस दोस्तों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, लाखों की जगह हमारी निश्चित है, बस थोड़ा सा सीख करके, जैसे अभी बताओ मैं तो सीख गई अभी दुष्यंत जी से, देखो मैं सीखने में बहुत आगे हूँ थोड़ी सी, है ना, मैं बहुत जल्दी सीख कर, फॉलो करने में तो डबल आगे हूँ सीख करके। अब मेरा कल से ही काम शुरू है, ये दिवाली वाली आ रही है, ठीक है जब ये अच्छी लगेगी, जब घर में रोकड़ा आएगा, ठीक है ना, बाकी खोखी दिवाली का क्या करना है, तो रोकड़ा चाहिए यहाँ पर। तो और मैं आपको बताऊं कि मैं काम करती हूँ घर का सारी चीज, मेरी जैसी सफाई भी कोई नहीं करता होगा, लेकिन मैं क्या करती हूँ, सुबह 9 बजे से पहले और रात को 9 बजे के बाद, और 9 से 9 क्या, मोदी केयर। तो तैयार हो आप, तैयार हो, इसकी आवाज वाकई में आज मजा नहीं आ रहा है, इसकी आवाज, जितने साथी उतनी आवाज नहीं है, लोग हम बहुत हैं, तैयार हो, तो दोस्तों जीत निश्चित है, थैंक यू सो मच।